स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्समून में। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं WhatsApp से किसी का भी स्टेटस डाउनलोड कैसे करें। यहाँ दोस्तों अगर आप WhatsApp यूज करते हैं और WhatsApp के अंदर आप किसी का भी स्टेटस देखते हैं और दोस्तों वो स्टेटस आपको काफी ज्यादा अच्छा लगता है और दोस्तों उस स्टेटस को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आपको नहीं पता है कि WhatsApp से स्टेटस को कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो फिर आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मात्र एक क्लिक में आप WhatsApp से किसी का भी स्टेटस डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चले फिर आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि WhatsApp से स्टेटस को डाउनलोड कैसे करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो आपको उस स्टेटस को देख लेना है जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं इस स्टेटस को डाउनलोड करना चाहता हूं और यहां पर मैंने इस स्टेटस को प्ले कर लिया है। अब दोस्तों इस स्टेटस को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने WhatsApp से बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपको अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको टाइप करना है स्टेटस सेवर। ठीक है दोस्तों, आपको टाइप करना है स्टेटस सेवर। ये टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्टेटस सेवर डाउनलोड। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है सबसे फर्स्ट वाली जो एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस सेवर वीडियो डाउनलोड, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। एक बार फिर से देख लीजिए स्टेटस सेवर वीडियो डाउनलोड, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप इसके डाउनलोड्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 100 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स है और बहुत ही छोटी एप्लीकेशन है, यानी दोस्तों 4.7 MB की एप्लीकेशन है। आपको यहाँ पर जो है आसानी से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो हम इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम ऊपर में राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए ग्रांट परमिशन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यूज दिस फोल्डर, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अलाउ पर क्लिक करना है। अलाउ पर क्लिक करेंगे और फिर ये आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए जिसका भी आप स्टेटस डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी स्टेटस आपने देखा है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर वो स्टेटस आ जाएगा जो कि आपने अपने WhatsApp के अंदर देखा था। अब दोस्तों इस स्टेटस को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको स्टेटस को प्ले करना है। नीचे में आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, WhatsApp डाउनलोड शेयर। अब आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको अलाउ पर क्लिक करना है, फिर से अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये स्टेटस आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों मेरा भी जो है स्टेटस डाउनलोड हो चुका है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम अपने मोबाइल की गैलरी में आएंगे। गैलरी में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने इस स्टेटस को डाउनलोड कर लिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपने WhatsApp के अंदर जो भी स्टेटस देखते हैं उसी स्टेटस को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप जो है किसी भी स्टेटस को WhatsApp से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।